नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज हम लोग बिना पेन ड्राइव या तो बिना बूटेबल पेन ड्राइव या डीवीडी के हम लोग आज विंडो 11 इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा जिसे हम विंडो या डीवीडी बोलते हैं, और एक रहेगा आपका विंडो 11 का आईएसओ फाइल। ठीक है, तो ये सब जरूरत पड़ेगा। तो डाउनलोड कैसे करते हैं, वो डाउनलोड आप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले हम इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं, और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डाल लेते हैं। उसके बाद जो है हमें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों, जिसका नाम है Win2HDD। ठीक है, उसी के थ्रू से हम आज विंडो 11 इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और आप कोई भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं। मैं मोजिला फायरफॉक्स कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो सफारी, क्रोम, या तो जो भी है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम गूगल के होम पेज में जाएंगे, तो यहाँ गूगल सर्च कर लेते हैं और गूगल के होम पेज ही खोल लेते हैं यार। और यहाँ पे लिखना है दोस्तों Win2HDD। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, Win2HDD आपका जो सॉफ्टवेयर है सेम सॉफ्टवेयर रहे, दूसरा ना हो। तो यहाँ पे ये यहाँ पे है, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद सबसे ऊपर में देख रहे हैं आप, इसको हम राइट क्लिक करके दूसरे टैब में खोल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल, रीइंस्टॉल, क्लोन, विंडो 10, 11, ये सब लिखा हुआ है। तो चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। और ये जो है लगभग 9-10 MB का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उसको हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये डाउनलोड होने स्टार्ट हो गया है, तो हम इसको डाउनलोड होने देते हैं। और विंडो 11 का आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड करोगे, वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये वाली सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये डाउनलोड फाइल में आ जाएगा, फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर में आ गया हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो। अब इसको जो है नॉर्मली जैसे सब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, वैसे इसको भी करेंगे। तो इसके ऊपर में हम राइट क्लिक करके रन एस एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे यस करेंगे, यस करने के बाद ओके, उसके बाद आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, पूरा नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट में फिनिश कर देंगे। ठीक है, जो नॉर्मल करते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल, वैसे ये हो गया। अब ये सबको क्लोज करो, इसका कोई काम नहीं है, ये सबको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरनेट को डिसकनेक्ट करना चाहें तो डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने डाटा को देख लेते हैं कि वो यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आईएसओ फाइल यहाँ पे है। तो आपको भी दूसरे ही फाइल में, फोल्डर में रखना है, मतलब दूसरे ड्राइव में रखना है। सी ड्राइव को छोड़ के आप किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं, सी ड्राइव में रखना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सी ड्राइव जो फॉर्मेट हो जाएगा। तो हमारा डाटा इसमें भी है, तो ये सब डिलीट नहीं होने वाला है। तो डिलीट होने का कोई डर नहीं है, अगर आप आराम से वीडियो को देखिए, उस समझिए, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को। ये इसको क्लोज करो यार, ये ओके, इसको नहीं रहने दो, ओके करते हैं। और जो सबसे शुरू में दिख रहा है ना रिस्टॉल विंडो, इसमें क्लिक करना है। ठीक है, ये सब में नहीं करना है भाई, इसको अपन छेड़खानी ही नहीं करेंगे। जो भी है हम शुरू वाले जो रिंस्टॉल विंडो लिखा हुआ है इसमें, इसको बस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लिक कर लेते हैं, एक बार क्लिक कर लेंगे। अब उसके बाद खोलने देते हैं इसको, देखिए इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद जो है ना, यहाँ हम ओपन करके पाथ खोजेंगे, मतलब हमारा जो विंडो 11 का आईएसओ फाइल है उसको खोजेंगे। तो वो जो है इसमें है, तो आपको भी दूसरे वाली में रख लेना। ये हमारा विंडो 11 का आईएसओ फाइल है, ओपन कर लेंगे इसको, सिलेक्ट करके ओके करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आ जाएगा। और बहुत सारे इसमें आप देख सकते हैं वर्जन है, इसमें होम है, प्रो है, सब है। ठीक है, तो आपको जो भी पसंद आ रहा है आप कर लेना। और मैं यहाँ पे विंडो 11 प्रो कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही ठीक है, और नेक्स्ट कर देंगे। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफ़ॉल्ट है ना, तो इसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है सी ड्राइव के थ्रू से ही ये सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट है। तो सी ड्राइव ही बस फॉर्मेट होगा, तो हमें इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, बल्कि इसको हम नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ ये बोल रहा है कि जो भी डाटा सी ड्राइव में वो सब डिलीट हो जाएगा, आप डिलीट करना चाहते हैं क्या? तो यस, हम डिलीट करना चाहते हैं भाई, यस कर देंगे। अब ये कुछ टाइम लेगा, तो इंतज़ार कर लेते हैं। हो जा भाई, जल्दी हो जा।
दोस्तों ये जो प्रोसेस है ना वो आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके कॉन्फ़िगरेशन हाई है तो स्पीड से होगा काम, अगर कॉन्फ़िगरेशन लो है तो उस कंडीशन में धीरे धीरे ही होगा। ठीक है, तो होने देते हैं इसको, इसको भी यस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, और उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है सी ड्राइव के बारे में बता रहा है कि सी ड्राइव में जो सिलेक्ट है उसी में विंडो डलेगा। ठीक है, तो इसको हम यस करेंगे, उसके बाद इसको भी यस करेंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, ये सब पढ़ लिए, यस। अब जो ये प्रोसेस है ना वो टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों, और अगर आपके कंप्यूटर का कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मैं पहले बताया अच्छा रहेगा कॉम्प्लिकेशन, तो फिर काम जल्दी हो जाएगा। तो हमें इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, हमारा सिस्टम शट डाउन होगा अभी, उसके बाद फिर रिस्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि आप जो आईसो फाइल रखेंगे वो सी ड्राइव को छोड़ के दूसरे ड्राइव में रखना आप, जैसे कि डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, मतलब सी ड्राइव में रखना ही नहीं है आपको, आईसो फाइल दूसरे ड्राइव में रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस ऐसे बढ़ेगा आपका। अगर आप सी ड्राइव में रखेंगे ना तो डिलीट हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। तो अभी हमारा जो विंडो 7 है वो स्टार्ट हो रहा है, और उसके ऊपर में ही ये सब प्रोसेस चलेगा। तो इंतज़ार करना पड़ेगा, वही थोड़ा सा वीडियो को यार काट काट के बनाना पड़ेगा। क्या शुरू से आखिर तक बताऊंगा तो कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, उससे अच्छा कि वीडियो को जो फालतू चीज़ रहेगा ना उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना। देखिए ऐसे टाइम लगता है इसमें, तो इंतज़ार करेंगे भाई, क्योंकि हमें काम करना है, आगे का प्रोसेस बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से जो है फिर आगे का प्रोसेस और इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये बढ़ेगा धीरे धीरे, और जो यहाँ पे टिक वगैरह सब लगा हुआ है ना इसमें आपको छेड़खानी नहीं करना है, जो डिफ़ॉल्ट है वही करना है। अब ये जो है ना अब अपने आप जो होना रहेगा वो होगा। अब आपको कब कंप्यूटर को छूना है, जब आप माउस या कीबोर्ड का जरूरत पड़े वहाँ पर ही छूना है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। जो भी करेगा ये प्रोसेस ही करेगा, ये जो लोगो देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं अपना, ये सब काम करेगा, आपको बिल्कुल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को बढ़ा देता हूँ यार, ताकि काम जल्दी हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा प्रोसेस होगा, आपको इंतज़ार करना है, पूरे शुरू से आखिर तक आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, और उसके अलावा तो और कोई चारा ही नहीं है। अगर आप इस बीच में कुछ काम करना चाहते हैं तो आप काम करने भी जा सकते हैं अपने सिस्टम को छोड़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होने देते हैं इसको और कर लेते हैं इंतज़ार। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, अब फिर चालू हो रहा है, फिर आगे का प्रोसेस होगा, और इस तरह से जो ना आगे का प्रोसेस होते जाएगा। आपके कंप्यूटर जो है कई बार चालू होगा, बंद होगा, आपको ये सब ध्यान नहीं देना है, आपको जब कीबोर्ड और माउस का ज़रूरत पड़ेगा ना तभी आपको ध्यान देना है। और ये सब आएगा जैसे कि विंडो 10 में आता है ना, वो सब उसी टाइप का ये भी आएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना यार, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर से स्टार्ट हुआ विंडो, फिर चालू हो गया। तो हमारा जो विंडो है लगभग इंस्टॉल हो गया है, अब खुल रहा है धीरे धीरे ये लोगो विंडो 11 का, और करते हैं भाई इंतज़ार। वैसे भी तो हमारे हाथ में अभी फिलहाल कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट, अब यहाँ पे हमें जो है सिलेक्ट करना है यूनाइटेड स्टेट, जो सिलेक्ट है उसे यस करना है और बढ़ जाना है आगे।
उसके बाद देखते हैं क्या आता है। और इसको जो है ना स्किप कर देना आप, समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ ये सब भी स्किप कर दीजिए। इंटरनेट कनेक्ट रहता है तो आपके वो जो आईडी वाईडी है ना वो सब पूछता ही, जो माइक्रोसॉफ्ट का आईडी और पासवर्ड रहता है वो, तो बढ़ लेते हैं आगे। अब यहाँ पे आप अपना कंप्यूटर का नाम दे देना दोस्तों, और मैं यहाँ पे अपना चैनल का नाम दे दे रहा हूँ, टिप्स एंड सॉल्यूशन, टिप्स एंड सॉल्यूशन। उसके बाद हमें कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड देना चाहें तो दे देना, अदरवाइज नेक्स्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, सबको एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या ये डिफ़ॉल्ट है, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है छेड़खानी करने से, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। और हमारा जो कंप्यूटर है रिस्टार्ट होके फिर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये सब आएगा, इसको भी भगा देते हैं भाई जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर कुछ पल और रुकना पड़ेगा, उसके बाद जो है हमारा विंडो का जो इंस्टॉलेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो विंडो है वो कंप्लीट रूप से इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों इसका जो लुक है कुछ इस तरह से है, और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। विंडो 11 का जो थीम है या तो फिर वॉलपेपर जिसे बोल सकते हैं हम, वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो चलिए और कुछ कुछ खोल के देख लेते हैं, और हमारे डाटा को भी चेक कर लेंगे कि वो है कि डिलीट हो गया है। तो सबसे पहले तो हम राइट क्लिक करके सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को ले आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम राइट क्लिक कर लेते हैं और सीधा जाते हैं पर्सनलाइज में, और उसके बाद जो है कंप्यूटर को ले आएंगे डेस्कटॉप में। तो ओपन हो जाए भाई ये। अब यहाँ पे हम आएंगे थीम में, थीम में आने के बाद हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, यहाँ 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 ये यहाँ डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग में, ठीक है। यहाँ एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपको चाहिए रहेगा कंप्यूटर कंट्रोल पैनल वो सब आप ओके कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, हमारा जो कंप्यूटर है वो आ गया है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा कंप्यूटर आ गया है। तो इस तरह से जो कंप्यूटर है वो आ जाएगा। और चलिए और कुछ कुछ खोल के देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा ड्राइव ओपन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी मेरा डाटा था वो सब है, और इसमें कभी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा विंडो 11 का ISO फाइल था वो अभी भी इसमें है, मतलब मेरा कोई भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये सब है, और देख लेते हैं कुछ। जैसे इसका कलर आप देखोगे देखोगे डॉक्यूमेंट या डाउनलोड का, तो यार ये कलरफुल हो गया, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो इस तरह से इसका लुक है दोस्तों। और स्टार्ट बटन जैसे बात करें तो ये है, ये हमारे विंडो 7 या विंडो 10 में साइड में हुआ करता था, लेफ्ट साइड में, लेकिन ये जो है बीचों बीच कर दिया स्टार्ट बटन को। अगर हम यहाँ पे जाएँ तो ये सब शो हो रहा है, डिफ़ॉल्ट जो एंटीवायरस वो है, और ये सब देखिए कुछ अलग ही लुक है यार विंडो 11 का। तो चलो एक बार हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं किसका क्या हाल चाल है, और आप लोगों को इसमें पता भी चल जाएगा दोस्तों कि मेरा कंप्यूटर किस टाइप का था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, खोलने दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है ये डेस्कटॉप हो गया, और ये जो AMD का मेरा प्रोसेसर है, मतलब पुराने ज़माने का यार ये सब चीज़ देखिए। और 2 GB RAM लगा हुआ है इसमें, और ये सब देख सकते हैं आप। इस तरह से इसका प्रॉपर्टीज़ है, इस तरह से है दोस्तों विंडो 11 का लुक। तो आज की वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। तो कुछ और नई जानकारी साथ में, तब तक अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना, और वीडियो को भी लाइक कर देना यार, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं कुछ और नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी साथ, तब तक विदा दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।